हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं चने के दाल से बनने वाली बहुत ही टेस्टी कुरकुरी करारी क्रंची नमकीन मठरी की रेसिपी। ये मठरी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, चाय के संग बहुत ही अच्छी लगती है और बनाने में आसान होती है। इसे बना करके स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधे कटोरी चने दाल को भिगा के रात भर रख दिया था। अब ये अच्छे से फूल गए हैं और इजिली टूट रहे हैं। अब इस चने दाल को हम अच्छे से फिर से धो करके इसका पानी निकाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी देखिए पानी नहीं है। और इसे पीस लेंगे, तो ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें चने दाल को डालेंगे और बिना पानी डाले इसे हमें पीसना है। अब इस दाल में हम डालेंगे हरी मिर्ची, तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची ले ली है। इसे छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे, साथ ही में आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। साथ ही ले लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, इसे भी डाल देंगे और इसे पीसेंगे। पीसते टाइम हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, बल्कि स्विप कर करके मशीन को पीसा है। तो ये देखिए हमारा दाल अच्छे से पीस गया है। अगर आपको पीसने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 1/8 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत गीला हो जाएगा। अब इसको हम एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये कितना ड्राई है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच साबुत जीरा। और जिस कटोरी से हमने दाल नापा था उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे। चने का दाल हमारा फूलने के बाद 1/2 कटोरी था और 1/2 कटोरी हम चावल का आटा ले रहे हैं। और 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये मोवन के लिए है, इससे हमारी जो मठरी बनेगी वो खस्तादार बनेगी। अब चावल के आटे और गेहूं के आटे को दाल में हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि दाल में मॉइस्चर है, नमी है। तो पहले हम देख लेंगे कि कितना ये आटे को सोख रहा है और कितने पानी की ज़रूरत है। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे, वरना ऐसे ही गूंथ लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच पानी हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं और इसको बढ़िया से हमें गूंथ करके स्मूथ कर लेना है। तो चलिए इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं। लगभग 10 मिनट गूंथने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आटा हमारा स्मूथ हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है और सख्त डो बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, अब इसको हमें ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ये और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि चावल का आटा हमारा फूल जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले से ज़्यादा हमारा ये डो सख्त हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही डो हमें चाहिए था। डो हमारा सख्त रहेगा तो जो हमारी मठरी नमकीन बनेगी वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। अब इसकी हमें बड़े साइज की लोई बना के तैयार करनी है। तो यहाँ लीजिए लोई हमारी बन गई है। अब चकले और बेलन में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसकी एक बड़े साइज की रोटी बना के तैयार करेंगे। ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, देखिए आसानी से उठा उठा के इसको हम घुमा घुमा करके बेल रहे हैं। और यहाँ लीजिए हमारी बड़ी साइज की रोटी बनके तैयार है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, कुछ इतना मोटा रखना है, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। अब यहाँ पे मैंने डब्बे का ढक्कन ले लिया है, इससे हम इसको गोल शेप दे रहे हैं। आप कोई भी कटोरी गिलास से लेकर के इसको काट लीजिए या फिर कुकी कटर से, और आपको जो इच्छा हो जिस तरह की डिज़ाइन आप काटना चाहते हैं काट सकते हैं। आप इसकी लंबी पट्टियाँ या फिर स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हमने काट लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल लेंगे और जो बची हुई आटे है उसे में मिला के रख देंगे। इसको ढक के रखेंगे ताकि सूखे नहीं। अब फोक की मदद से इसमें हम होल कर लेंगे। होल करने से होगा क्या कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं और क्रिस्पी बनके तैयार होगी। और आपको फुली फुली पसंद है तो आप इसमें होल नहीं करिएगा, फिर ये फुली फुली बनेंगी। अब इसी तरीके से बाकी के भी आटों की हम मठरी बना के तैयार करेंगे। अगर इसे ढक करके नहीं रखेंगे तो ये चने के दाल का डो है, ये और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा सूखने के बाद, इसलिए ढक के रखिएगा। और काटने के बाद इसकी जो कटिंग है उसको हम दोबारा से बेलते हुए फिर से बाकी की भी मठरी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से ये कट जा रहा है और सारी मठरी हमने काट के तैयार कर लिया। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम अच्छे से हीट करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। जब एक बार हम मठरी डालते हैं तो ये देखिए बहुत सारे बबल्स बन रहे हैं ऑयल में, लेकिन जैसे ही एक साइड से हो जाएगी बबल्स बनने कम हो जाएंगे। अब फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है।
लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और जैसे ही इनमें हल्का सा कलर आने लगेगा, इसको हम दोबारा से पलट देंगे। तो दोनों साइड से उलटते पलटते इसको हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। और यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा ये नमकीन मटर गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की सारी मटरियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारी मटरी हमने फ्राई कर ली है, बहुत ही करारी, क्रिस्पी और क्रंची बनी है और चने के दाल से बनी है। साथ ही में जो मसाले पड़े हैं उसकी वजह से बहुत ही टेस्टी बनती हैं। चाय के संग ये मटरियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। इन्हें ठंडा कर लीजिए, उसके बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। ये हफ्तों तक ख़राब नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।